अलजैन इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज आपको टू डेक फोर ट्रे गैस ओवन के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे, जैसे उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे टेम्परेचर सेट होता है, सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है ओवन। तो सबसे पहले ये चारों स्क्रू आपको ओपन कर लेना, फिर उसके बाद ये फतरे को निकाल के साइड कर दीजिए। ये रहा पूरा फंक्शन, इसमें आपका एक मीटर है और ब्लोअर है, सोलेनोइड वाल्व है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, सबका कनेक्शन हुआ हुआ है। और यहाँ आपका पाइप इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आपको पाइप लगाना है, इसमें इंसर्ट कर देना है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से पाइप लगाते हैं, कौन सी पाइप, कौन सा रेगुलेटर लगेगा, वो सब आपको बताते हैं। पहले तो ये पाइप अपना लगेगा जो घर में लगता है, वो पाइप लगेगा, और घर का जो रेगुलेटर लगाते हैं आप गैस चूल्हे में, वो रेगुलेटर लगेगा, जिसको लो प्रेशर का रेगुलेटर बोलते हैं। ये लो प्रेशर का रेगुलेटर और ये पाइप, तो पाइप को इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। इधर दिखाइए सर, यहाँ देखिए पीछे होल दिया हुआ है, इसमें से पाइप को इंसर्ट करेंगे, फिर आगे की साइड में यहाँ इस पाइप को लगा देना है। लगाने के बाद जो क्लिप होगी, ये क्लिप रहती है, ये क्लिप लगा के आप वहाँ पे टाइट कर देंगे। ये क्लिप मैंने यहाँ लगा दिया है, यहाँ लगाने के बाद इसको टाइट कर देंगे। ये क्लिप पूरी तरह से टाइट हो गई है, अब इसमें लीकेज वगैरह का खतरा नहीं रहेगा। ये बाटले में अपना रेगुलेटर लगा दिया, अब इसको ऑन कर दें। ये हमारा प्लग है, इसको हम ओवन में लगाएंगे। ये ओवन में दिया हुआ है, इस तरीके से इसको ओवन में लगा दें। दूसरा अपने बोर्ड में लगाते हैं, ये बटन हमने यहाँ से ऑन कर दिया है। अभी ये पैनल का बटन है, ये पैनल का बटन मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए पैनल का बटन है, ये सारा कंट्रोल आ गया। अभी देखिए लाइट का है, ये लाइट जल गया, और इधर देखिए टाइमर का है, ये टाइमर ऑन हो जाएगा। फिर इधर नीचे वाले पैनल के लिए नीचे वाला लाइट, नीचे वाला टाइमर। तो ये आप चाह सकते हैं कि इसको बंद कर दें, इसको ऑपरेट करें, दोनों सेपरेट सेपरेट यूज होगा। आइए आपको चैम्बर ओपन करके दिखा दें। ये दो हैंडल ओवन का है, इसको किस तरीके से फिट करते हैं वो आपको बताते हैं। ये जो सिरा है, इसको आप ऊपर खींचेंगे ये निकल जाएगा, इधर से भी आपको खींचेंगे निकल जाएगा। उसके बाद ये जो स्क्रू लगा हुआ है, इसको आप खींच निकाल के इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे, जिस तरीके से आप इसको निकाले थे उसी तरीके से इसको लगा देंगे। सेम वैसे ही नीचे भी लगेगा। अभी इसके ट्रे की साइज बात करें तो 16x24 का ट्रे जाता है, दो ट्रे ऊपर जाता है, दो ट्रे नीचे जाता है। इसके पावर कंजप्शन की बात करें तो मिनिमम 80 वॉट टू 100 वॉट इसका पावर कंजप्शन है, जो कि एकदम कम है। और गैस कंजप्शन की बात करें तो गैस का एक डेक आपका 300 ग्राम, दूसरा डेक वो भी 300 ग्राम, टोटल आपका एक घंटे का जो कंजप्शन होगा वो 600 ग्राम पर आवर का होगा। तो एक घंटे में आप दो बैच बना सकते हैं आराम से, 600 ग्राम की गैस की खपत होने के बाद आप दो बैच आराम से बना सकते हैं। ये हमारी 16x24 की ट्रे है, जो इस तरीके की दो ट्रे ऊपर जाएगी, एक ट्रे साइड में जाएगा, टोटल दो ट्रे ऊपर दो ट्रे नीचे जाएगा, और 12x16 का चार ट्रे ऊपर चार ट्रे नीचे जाएगा। ओवरऑल मशीन की जो साइज है वो 52 इंच लेंथ है, 32 इंच विड्थ है, एंड 50 इंच इसकी हाइट है, अप्रॉक्स 4 फीट लेंथ, 10 फीट डीप और 4 फीट हाइट, इस तरीके से इसकी ओवर। और जो वेट है इसका 220 किलो वेट है इसका। तो आइए आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं किस तरीके से स्टार्ट होता है। ये देखिए मैंने टेम्परेचर सेट किया 200, अंदर फायर हो रहा है, ये देखिए एग्जॉस्ट हुड है जो कि बैक साइड में एग्जॉस्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो किस तरीके से इसको फिट किया जाता है,
ये जो ओपन हिस्सा है ये ऊपर रहेगा, ये जो पैक हिस्सा है ये नीचे रहेगा। इस तरीके से इसको लगा के यहाँ से इसको सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रू लगाने का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप स्क्रू लगा के इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए सब लगा हुआ है, सब में स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे, ये आपका फिटिंग हो गया है। यहाँ से जो गैस होगा ये आपका एग्जॉस्ट होगा। इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और भी कुछ आपको क्वेरी हो तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पते पे भी आप आ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।